हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग बना रहे हैं व्रत में खाने के लिए मूंगफली का चटपटा चाट। जब भी हम कोई फास्ट रखते हैं तो अक्सर हम मीठी चीज़ें खाते हैं, चाहे वो फ्रूट हो या फिर किसी तरह की कोई खीर हो, तो हमारे मुंह का टेस्ट भी थोड़ा सा मीठा मीठा सा हो जाता है। उस टाइम यदि आपको कुछ खट्टा तीखा सा खाने को मन हो तो ये रेसिपी आपके लिए है। उस टाइम पर आप इस रेसिपी को बनाइए, खाइए, ये फटाफट से बन भी जाती है और ये बहुत टेस्टी भी होती है। तो चलिए फटाफट से बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए कच्चा मूंगफली, तो यहाँ पे मैंने एक बाउल कच्चा मूंगफली लिया है। इसके बाद हम इसे एक कुकर में डाल देंगे। इसमें डालेंगे एक गिलास पानी। इसके साथ ही हम डाल देंगे इसमें आधा चम्मच सेंधा नमक। यदि आप फास्ट के लिए नहीं बना रहे हैं तो आप इसमें नॉर्मल नमक ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हम इसे बंद कर देंगे और 3 व्हिसल आने का वेट करेंगे। तो यहाँ पे 3 व्हिसल आने के बाद हमारा मूंगफली जो है वो अच्छी तरह से पक चुका है। हम इसे चेक कर लेते हैं। मूंगफली थोड़ा हार्ड होता है तो इसे अच्छी तरह से पका लीजिएगा। चलिए एक तोड़ करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि हमारी मूंगफली है वो अच्छी तरह से पक चुकी है। अब हम इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब हम इसे एक बड़े मिक्सिंग बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं, इससे हमें मिक्स करने में आसानी होगी। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे एक बड़े साइज़ का टमाटर, बारीक कटा हुआ। इसके साथ ही हम ऐड कर देंगे इसमें 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई। अब हम डाल रहे हैं बारीक कटा हुआ फ्रेश धनिया। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 लेमन का जूस। जूस आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। आपको ज़्यादा खट्टा पसंद है तो 1 डालिए, यदि कम है तो 1/2 लेमन का जूस आप डाल सकते हैं इसमें। इसके बाद हम इसमें डाल रहे हैं सेंधा नमक। इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। फ्रेंड्स, यदि आप इसे फास्ट के लिए नहीं बना रहे हैं तो आप इसके ऊपर थोड़ा सा भुजिया डाल सकते हैं, थोड़ा सा चाट मसाला डाल सकते हैं, अमचूर पाउडर डाल सकते हैं। ये टोटली आपके ऊपर है कि आप इसको कितना चटपटा बनाना चाहते हैं। और यदि आप जिम कर रहे हैं या फिर डाइटिंग कर रहे हैं तो इसमें आप सब्जियां भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि पनीर हुआ, खीरा, ककड़ी, गाजर, मूली या फिर कैबेज को भी कट करके डाल सकते हैं। ये टोटली आपके ऊपर है, आप कितनी सब्जियां इसमें ऐड करना चाहते हैं। इस तरह से बना करके आप एज ए सैलड भी इसे खा सकते हैं, क्योंकि एक बहुत ही हेल्दी स्नैक्स है। तो आप इसे मॉर्निंग में तो खा ही सकते हैं, इवनिंग में भी खा सकते हैं यदि आप डाइट पर हैं या जिम कर रहे हैं तो। लेकिन आज की जो रेसिपी है वो मैंने स्पेशली व्रत के लिए बनाया है। तो व्रत में आप इसे बनाइए, खाइए, ये आपको एनर्जी भी देगा और फ्रेशनेस भी देगा। तो फ्रेंड्स, आप लोग ज़रूर इसे एक बार ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि कैसी बनी थी। वैसे इसका कलर देख करके ही अंदाज़ा लग जाता है फ्रेंड्स कि ये कितनी टेस्टी बनी होगी, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग इसे एक बार ज़रूर ट्राई करेंगे। और फ्रेंड्स, यदि आप लोगों को मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। लाइक कॉमेंट करने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह के किसी अच्छे हेल्दी रेसिपी के साथ।